न्यूमेरिकल्स के अंदर सबसे पहली चीज़ याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन का पॉइंट ही है जो मैं बताने जा रहा हूँ, और अगर ये क्लियर हो गया ना आपका क्वेश्चन गलती नहीं हो सकता। कन्फ्यूजन का पॉइंट ये है, इसके अंदर बेसिकली सबसे पहले क्या बना, गैल्वेनोमीटर, जो छोटा करंट मेजर करता है, जैसे मान लो 2×10⁻³ एम्पियर, ठीक है जी। फिर किसी ने कहा सर मेरे को तो 2 एम्पियर करंट मेजर करना है, तो मैंने कहा देख गैल्वेनोमीटर तो चलेगा नहीं, तो इसको मॉडिफाई कर ले, बोलो कैसे, शंट लगा ले। शंट लगा के वो कहता नया मीटर बनेगा, मैंने कहा हाँ नया मीटर बनेगा, उसका नाम क्या है, एम मीटर, तो 2 एम्पियर करंट मेजर करता है। अब एक स्टूडेंट आया वो कहता मेरे को तो 10 एम्पियर करंट मेजर करना है, तो मैंने कहा देख इसमें ये भी फेल है, तो क्या करे, इसके साथ फिर शंट लगा दे, इसके साथ जो छोटी करंट की वैल्यू आ रही है ना फिर एक शंट लगा दे और एक नया मीटर बना दे, अ न्यू एम मीटर, अब ये 10 एम्पियर भी मेजर करेगा, ठीक है। कोई कहता है 10 की जगह 20 एम्पियर मेजर करना है, हाँ तो कोई बात नहीं, इसके साथ एक नई शंट लगा दे, अब वो 20 एम्पियर करंट भी मेजर कर देगा। तो यानी कि हम रेंज ऑफ एम मीटर को बढ़ा रहे हैं, इसे बोलते हैं एम मीटर की रेंज को बढ़ाना, ठीक। यहां तक तो बात अगर होती तो ठीक होता, अब क्वेश्चंस के अंदर कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो जाती है, ऐसे क्रिएट होती है जब मैं इस मीटर की कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, तो ये मेरा आई करंट है और ये मेरा आई जी करंट है, क्योंकि ये मेरा गैल्वेनोमीटर है और ये मेरा एक्चुअल बड़ा करंट है, आई, बड़े करंट को आई से, छोटे करंट को आई जी से, सही है, यहां तक क्लियर है पिक्चर। लेकिन जब प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब मेरे को जो कैलकुलेशन करनी है वो इन पे करनी है, इसकी बात ही नहीं करेगा वो, ये रीडिंग देगा 2 एम्पियर और कहेगा कि 10 एम्पियर मेजर करो, अभी इंपॉर्टेंट है, तो मैं 10 एम्पियर को मान लूंगा आए और इसको मान लूंगा आई जी, फॉर्मूला वही रहेगा शंट का। तो कोई कहता है ये आई जी कैसे हो सकता है, फिर ये कहां गया, इसकी तो वो बात ही नहीं करेगा ना न्यूमेरिकल में, इसकी तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो एट अ टाइम दो ही देगा ना आपको, एक और दो। तो जब वो दो कोई भी मीटर देगा, चाहे वो दोनों गैल्वेनोमीटर नहीं होंगे, नए एम मीटर टू एम मीटर देगा, तो आप पुराने मीटर को अपने मन में गैल्वेनोमीटर ही मान लेना, ताकि सेम फॉर्मूलाज कैन बी अप्लाइड अगेन एंड अगेन। अब नए के चक्कर में पड़ गए तो नए फॉर्मूले बनाने पड़ जाएंगे, तो जब आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो, इसको आई जी और इसको आई मान रहे हो, तो जब तुम इसे और इसे सॉल्व करोगे ना, अपने मन में इसको आई जी मान लेना और इसको आई मान लेना। और अगर तुम्हारा न्यूमेरिकल इस पे भी नहीं आता, मान लो तुम्हारा जो न्यूमेरिकल है वो इन मीटर पे आता है, तो कोई बात नहीं, तुम इसको अब आई जी मान लेना और इसको अब आई मान लेना। पुराने मीटर को हमेशा गैल्वेनोमीटर मानना, चाहे वो उसका नाम एम मीटर रखे, और नए मीटर को एम मीटर मानना, आपका न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा, नहीं तो फंसे रह जाओगे, क्योंकि उसने गैल्वेनोमीटर देना ही नहीं, उसने एम मीटर और एम मीटर की बात करनी है, तुम कहोगे सर कहाँ है मेरा गैल्वेनोमीटर, वो तो पता नहीं कौन से मीटर की बात कर रहा है, तो तुम कर ना पाओगे। तुम पहले मीटर को हमेशा गैल्वेनोमीटर ही मानना और दूसरे को एम मीटर मानना। तो आइडिया समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, मैं करके दिखाता हूँ कैसे। जैसे पहला न्यूमेरिकल है गैल्वेनोमीटर विद कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा है, ये तो सीधी बात कर रहा है। कॉइल के रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से, कई बुक्स आर जी करती हैं पर मैं जी करता हूं। शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, तो एक गैल्वेनोमीटर पूरी डिफ्लेक्शन शो करता है, पूरी डिफ्लेक्शन का मतलब वो करंट जो मेजर करता है वो 2.5 मिली एम्पियर है, ये आई जी है। हाउ विल यू कन्वर्ट दिस मीटर, कौन से गैल्वेनोमीटर को, किस में, एम मीटर में, जिसकी रेंज क्या है 0 to 7.5 एम्पियर, तो 7.5 एम्पियर क्या माना जाएगा, आई, ये क्या माना जाएगा, आई जी, ये क्या माना जाएगा, आई। तो छोटे से बड़े करंट को अगर मेजर करना है तो क्या लगानी पड़ती है, शंट। आपको आई जी पता है, आपको जी पता है, आपको आई भी पता है, शंट में लगाओ, आंसर शंट की वैल्यू आ गई। स्टेप समझ में आया पहला, ये स्टेप समझ में आ रहा है। और ऐसे ही अगर वो कहते हैं मुझे क्या बनाना है, वोल्ट मीटर जिसकी रेंज इतनी है, तो रेंज का मतलब ये क्या कहलाएगा, वी। तो आप वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या लगाते हो, आर। तो अब आपको वी पता है, आई जी पता है, जी पता है, आंसर। और एंड में लिख देना ये आर किस में लगेगा, सीरीज में, और शंट किस में लगेगी, पैरेलल में। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका,
वही तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो फॉर्मूला वैल्यू आपको क्या, अच्छा ये था नहीं, ये नहीं था, ये था। क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर विथ स्केल डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। गैल्वेनोमीटर का जो मीटर है ना उस पर 100 डंडे लगे हुए हैं, 100 डिवीजन है मैक्सिमम, और गैल्वेनोमीटर हैज अ करंट सेंसिटिविटी ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। मतलब हर 10 डिवीजन्स को जब सुई क्रॉस करती है तो कितना करंट मेजर हो जाता है, 1 मिली एम्पियर। 10 डिवीजन्स पे करंट कितना मेजर होता है, 1 मिली एम्पियर। तो ये बताओ गैल्वेनोमीटर में कितने डिवीजन्स हैं, 100। तो गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना कितना करंट मेजर कर पाएगा, तो लगाओ ना यूनिटरी मेथड, 10 डिवीजन्स के लिए करंट कितना मेजर करता है, 1 मिली एम्पियर। 1 डिवीजन के लिए कितना करता है, इसको 10 से डिवाइड कर दें, और कितनी टोटल डिवीजन है, 100। तो 100 का करंट क्या आएगा, ये आएगा। और गैल्वेनोमीटर के मैक्सिमम जहां सुई जाती है उसको क्या बोलते हैं, आईजी। 100 डिवीजन पे जो करंट आएगा वो आईजी होगा। पहला काम आईजी निकालने का है। तो ये आइडिया समझ में आया, नंबर ऑफ डिवीजन से करंट कैसे निकलता है, ठीक। अब वो क्या कह रहे हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। अब ये गैल्वेनोमीटर 2 डिवीजन के पीछे 1 मिली वोल्ट मेजर करता है, पर हमारे गैल्वेनोमीटर में कितने डिवीजन हैं, 100। तो रूल लगाओ, 2 डिवीजन के पीछे 1 मिली वोल्ट है, 1 के पीछे डिवाइड बाय 2, और 100 डिवीजन के पीछे इतना, ये क्या आ गया, वोल्ट, वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। तुम्हारे पास वोल्टेज ऑफ करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर आ गया, तुम्हारे पास वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर आ गई। तुम अगर इन्हें डिवाइड कर लो तो तुम्हारे पास रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आ गई, मतलब इन स्टेट की वो सीधा जी दे, तुम्हें सेंसिटिविटीज दी हुई हैं ताकि तुम क्या निकाल सको, जी की वैल्यू। तुमने फर्स्ट पार्ट से क्या निकाला, करंट सेंसिटिविटी से करंट निकाला गैल्वेनोमीटर का, वोल्टेज सेंसिटिविटी से वोल्टेज निकाली गैल्वेनोमीटर की, वोल्टेज को करंट से डिवाइड किया तो क्या आया, जी की वैल्यू आ गई। वो डिफरेंट है, ये गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज है, और जो हमने पीछे क्वेश्चन में की थी ये वाली, ये डिफरेंट है। ये तो वोल्ट मीटर की वोल्टेज है कि मैक्सिमम 7 वोल्ट मेजर करना है, ये वो नहीं है, ये तो गैल्वेनोमीटर जी की वोल्टेज है। तो जी का आईजी आ गया, जी का ही वी आ गया, तो जी की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट अडॉप्शंस आर रिक्वायर्ड टू रीड 5 एम्पियर फॉर फुल स्केल। तुम कितना करंट मेजर करना चाहते हो, 5 एम्पियर। तुम्हारा गैल्वेनोमीटर 100 डिवीजन लगा के भी कितना करंट मेजर कर पा रहा है, सिर्फ 0.01 एम्पियर। इसका मतलब इनडायरेक्टली वो तुम्हें क्या बनाने को दे रहा है, एम मीटर, छोटे करंट से बड़ा करंट मेजर करने को दे रहा है। तो तुम्हें क्या लगानी पड़ेगी, शंट। तो ए पार्ट में तुम्हें क्या निकालना है, शंट की वैल्यू निकालनी है। आई जी पता है 0.01, आई कितना एम्पियर मेजर करना है, 5, जी की वैल्यू पता है, आंसर। तो पहले पार्ट में क्या लगेगी, शंट, क्योंकि तुम्हें छोटे करंट से बड़ा करंट मेजर करना है। और इसी के अंदर वो कह रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि 1 डिवीजन पर वोल्ट तुम क्या मेजर करना चाहते हो, 1 डिवीजन पर वोल्ट, मतलब 1 डिवीजन 1 वोल्ट मेजर करे, पर हमारी कितने डिवीजन हैं, 100, तो कितना मेजर करना चाहते हो, 100 वोल्ट, 1 डिवीजन 1 वोल्ट, 100 डिवीजन 100 वोल्ट। तो तुम 100 वोल्ट मेजर करना चाहते हो, तुम्हारा वोल्ट में, तुम्हारा जो गैल्वेनोमीटर है वो तो बहुत कम वोल्टेज मेजर करता है, पर तुम तो 100 वोल्ट की बात कर रहे हो, तो बड़े वोल्ट मेजर करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या लगती है, रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब आपको वी पता है 100 वोल्ट, आपको आई जी पता है गैल्वेनोमीटर का, आपको जी पता है गैल्वेनोमीटर का, आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है। तो अगर तुम्हें छोटे करंट से बड़े करंट पे जाना है तो शंट लगेगी, तुम्हें छोटी वोल्टेज से बड़े वोल्टेज में जाना है तो आर लगेगा, बस ये लॉजिक है। जैसे एक एम मीटर है जिसकी रेजिस्टेंस गिवन है, ये कौन सा मीटर है, एम मीटर है, ये ध्यान से इंपॉर्टेंट है। एक एम मीटर है जिसकी रेजिस्टेंस गिवन है। अब देखो ना, मैं तो सीधे रास्ते चल रहा हूं तो मैंने कहा एम मीटर ही होगा। आगे कैन मेजर करंट ऑफ 1 एम्पियर, इसको छोड़ो ब्लू वाला, इसको नहीं छोड़ो, तो एक एम मीटर कितना करंट मेजर कर पा रहा है, 1 एम्पियर। मुझे इसी बात से शक हो गया, मेरे गैल्वेनोमीटर 1 एम्पियर करंट मेजर कर ही नहीं पाता, वो तो मिली एम्पियर में करता है, ये तो गैल्वेनोमीटर है ही नहीं, ये तो पक्का एम मीटर है, सही है। व्हाट मस्ट बी द शंट रिक्वायर्ड, शंट बताओ, ताकि एम मीटर कितना करंट मेजर करे, 5 एम्पियर। तो तुम्हारे छोटे करंट से बड़ा करंट मेजर करवाना है, तो नए एक एम मीटर से नया एम मीटर बनवाना है,
तो ये तुम्हें एमीटर गिवन है, पर ये बेचारा सिर्फ एक एम्पियर करंट मेजर करता है, और तुम्हें कितना करवाना है? पांच। तो तुम मन में मान लो अरे एमीटर था ही नहीं, ये क्या था? ये गैल्वेनोमीटर था। सबसे आसान हो जाएगा, तुम इसका नाम मत देखो, तुम एक नए मीटर से पुराने मीटर, पुराने मीटर से नए मीटर में जाना है। पुराना मीटर कम करंट मेजर करता है, नया मीटर ज़्यादा करवाना चाहते हो, तो पुराने मीटर को अपने मन में गैल्वेनोमीटर मान लो। तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है? जी। और तुम्हारा मान लो गैल्वेनोमीटर क्या करंट मेजर कर रहा है? आई जी। तुम्हें क्या मेजर करना है? शंट लगानी है। और तुम्हें क्या मेजर करना है? आई। तो तुम्हारे लिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया, सीधा शंट में उठा के पुट करो, छोटा करंट आई जी मान लो, बड़ा करंट आई मान लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बोली जान दो उसको एम मीटर से एम मीटर कन्वर्जन हो रही है, हम पुराने मीटर को तो गैल्वेनोमीटर ही ले लेंगे। समझ में आया मैं क्या समझा रहा था वो स्टेप? पुराने मीटर को गैल्वेनोमीटर के साथ कंपेयर करके नया मीटर का आंसर आ जाएगा। इसी के अंदर वो क्या कह रहा है, व्हाट इज कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर एंड शंट। अब शंट की वैल्यू आपके पास 0.20 आ गई, और साथ में जी तो आपको पहले ही पता है, एस आपको पता है, सॉल्व करके आंसर आ गया। ये लॉजिक समझ में आया एम मीटर टू एम मीटर वाला? ये सबसे ट्रिकी पार्ट है इसका। ठीक, जैसे इन अ गैल्वेनोमीटर, अब देखो विश्वास कर रहा हूं गैल्वेनोमीटर बोल रहा था, गैल्वेनोमीटर ही होगा। डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर, 10 डिवीजन के पीछे कितने मिली एम्पियर है? 1 मिली एम्पियर है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है? जी। इफ शंट एस इज कनेक्टेड, इस बार शंट दे दी उसने, तो देयर आर 50 डिवीजन इन ऑल। तो गैल्वेनोमीटर में कितने डिवीजन है? 50 है सिर्फ टोटल। तो मुझे पहले ये बताओ कि 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर अगर गिवन है, इसका मतलब ये होता है कि 10 डिवीजन के पीछे 1 मिली एम्पियर करंट मेजर होता है, 1 के पीछे दिस अपॉन 10 हो जाएगा। हमारे गैल्वेनोमीटर में कितने डिवीजन है? 50। तो 50 का मतलब मैक्सिमम सुई कितनी दूर तक जाएगी? 50 तक जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर का पहले करंट आएगा, तो गैल्वेनोमीटर का करंट आ गया। कोई डाउट इसमें? तो पहले गैल्वेनोमीटर का करंट आई जी आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? आपको जी पता है, आपको एस पता है, आपको क्या निकालना है? आपको मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर रीड कर पाएगा वो बताओ। तुम्हें आई जी तो पता है क्योंकि तुमने शंट लगा दी है। जब तुम गैल्वेनोमीटर के साथ शंट लगाते हो, अब वो आई रीड कर पाता है, आई जी से ज़्यादा रीड कर पाता है आई। तो तुम शंट का फॉर्मूला लगाओ, इस बार शंट पता है, इस बार आई जी पता है, जी पता है, तुम्हें क्या निकालना है? आई निकालना है, आई की वैल्यू आ जाएगी इसमें। मेथड समझ में आ रहा है कि अगर शंट गिवन है, शंट के साथ जो करंट मेजर किया जा रहा है वो तो एम मीटर का ही करंट होगा, तो रिलेट कर पा रहे हो उस चीज़ को। जैसे ये क्वेश्चन है लास्ट, गैल्वेनोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस जी है और हमने उसको वोल्ट मीटर बना दिया, और वोल्ट मीटर कितने वोल्ट मेजर कर पा रहा है? वी। ठीक है, वोल्ट मीटर बन गया होगा, कैसे बनता है? आर रेजिस्टेंस के साथ। अब वो कह रहे हाउ मच रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, एक नई रेजिस्टेंस बताओ कितनी रिक्वायर्ड है टू चेंज इट्स रेंज फ्रॉम 0 to V/2। मैं एक नया वोल्ट मीटर बनाना चाहता हूं जो क्या मेजर करे? V/2। आर डैश निकालना है मुझे। तुम पहले मुझे ये बताओ, दो केस हैं इसमें, वोल्ट मीटर की वोल्टेज कितनी है? वी है। तो मुझे बताओ कि आर रेजिस्टेंस है, तो केस नंबर वन मैं आर रेजिस्टेंस लगाऊंगा वी वोल्ट के लिए, ये फॉर्मूला तो मैंने ड्राइव किया हुआ है, यहां से रीअरेंज करके आई जी एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यहां आंसर आ गया। तो यानी कि मेरा पहला केस में वोल्ट मीटर वी रीडिंग लेता है और गैल्वेनोमीटर का करंट क्या है? आई जी। केस नंबर टू में वो क्या चाहता है कि मेरा वोल्ट मीटर वी से ज्यादा मेजर ना करे, उल्टा वी से कम मेजर करे। हम तो रेंज बढ़ाने की बात करता है, सर रेंज घटाने की बात कर रहा है, क्या रेंज कम कर दो। तो नए केस में रेंज वी की जगह क्या करनी है? V/2। फॉर्मूला सेम है, वी की जगह V/2। अब रेजिस्टेंस आर नहीं लगेगी, अब रेजिस्टेंस क्या लगेगी? आर डैश लगेगी। आपको आर डैश निकालना है, लेकिन गैल्वेनोमीटर आपने चेंज नहीं किया, तो ना जी चेंज किया ना आई जी चेंज किया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो आई जी रीड कर ही रहे, तो गैल्वेनोमीटर की कोई वैल्यू चेंज नहीं की। वी से V/2 हो गया, आर से आर डैश हो गया। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लो, आई जी इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आर डैश की वैल्यू आ गई आंसर।